अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम देखेंगे कि कैसे बिना किसी डाउनलोडर की मदद के हम लोग कैसे यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो एक चीज़ हमें चाहिए वो है VLC प्लेयर। मेरे पास VLC प्लेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, ये बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको काम करना है, आपको सीधा आना है अपने ब्राउज़र पे और यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब में आने के बाद जो वीडियो आपको डाउनलोड करना है उसे प्ले करें, वीडियो को प्ले करें। जैसे ही वीडियो प्ले हो जाए तो फिर आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करें, कॉपी वीडियो URL करें, नहीं तो फिर आप शेयर पे जाएं, नीचे शेयर का बटन आ रहा है वहाँ पे जाएं, वहाँ पर भी ये URL आ रहा होगा, आप इसे यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। URL कॉपी करने के बाद आप चाहें तो अपना ब्राउज़र बंद भी कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ इस टैब को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, हमें चलाना है VLC प्लेयर। VLC प्लेयर चलाया मैंने और इसके बाद अब मुझे जाना है मीडिया पे। मीडिया आपको ये सामने नज़र आ रहा है, इसमें देखें आपको जाना है ओपन कैप्चर डिवाइसेस। ओपन कैप्चर डिवाइसेस इसका ये शॉर्टकट भी है, Ctrl+C आगे ही लिखा हुआ है। आप चाहें तो Ctrl+C करके भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसे ओपन करें। यहाँ पर आपको चार टैब नज़र आ रही है, इसमें आपको जाना है नेटवर्क पर। नेटवर्क में देखें यहाँ पर ये URL डालने की जगह है। आप पहले वाला URL मैंने डिलीट किया और जो वहाँ से URL कॉपी किया था मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और उसके बाद हम सिंपली बस इसको यहाँ पर प्ले कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद ये वीडियो प्ले हो जाएगी। जैसे ही ये वीडियो प्ले हो जाएगी फिर जो आपको करना है उसके बाद जो काम है वो बहुत सिंपल है। इसके बाद आपको जाना है ऊपर मेन्यू बार में, टूल्स में कॉडेक्स इंफॉर्मेशन, Ctrl+J इसका शॉर्टकट है। आप स्क्रीन पर राइट क्लिक कर कर भी इसमें जा सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वीडियो की तमाम इंफॉर्मेशन है, इसकी क्या रेजोल्यूशन है, क्या फ्रेम्स हैं, इसकी ऑडियो क्वालिटी है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है लोकेशन। ये लोकेशन वो लोकेशन है जिससे YouTube ये वीडियो प्ले करके हमें दिखाता है। तो अब हमें सिंपली ये करना है कि हमें ये URL कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक करें, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा वो सेलेक्ट करें, दोबारा राइट क्लिक करें, कॉपी करें, इसको क्लोज़ कर दें, और चाहे तो अपने VLC को भी क्लोज़ कर दें, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, VLC का काम यहाँ पर ख़त्म। अब इसके बाद आपने जाना है ब्राउज़र पर, ब्राउज़र में जाएं, एक नया टैब खोलें, ये वो जो URL आपने VLC से कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट करें, इंटर करें। इसके बाद ये वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पर प्ले हो गई। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट क्लिक करें और आपके पास आ जाएगा सेव का ऑप्शन, सेव वीडियो। जी हाँ, आप सेव करें इस वीडियो को। मैंने इस पर क्लिक किया, देखें ये लोकेशन पूछ रहा है, देखें फॉर्मेट दे रहा है MP4। मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, ABC कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, बस सिंपली यही करना था। वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। अब जैसे डाउनलोड हो जाती है तो मैं आपको ये वीडियो एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरी पहली वीडियो है, अगर कोई गलती हो तो पहले से ही सॉरी, एडवांस में सॉरी आप लोगों से, और कोई इम्प्रूवमेंट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। मेरा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।